अवैध प्लॉटिंग पर गर्जी बुलडोजर, एमडीए ने अवैध प्लॉटिंग को कराया ध्वस्त। बिना नक्शा पास कराए ही करवाई जा रही थी अवैध प्लॉटिंग, गजरोला। एमडीए अधिकारियों ने बिना नक्शा पास कराए की जा रही अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त करा दिया। एमडीए टीम की इस कार्रवाई से अवैध प्लॉटिंग करने वालों में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार हसनपुर रोड पर छोया गांव के नजदीक 5 बीघा भूमि पर एमडीए द्वारा नक्शा पास कराए बिना ही प्लॉटिंग का चिन्हीकरण एवं नीम आदि का निर्माण कार्य कराया गया था। इस बात की जानकारी जब एमडीए टीम को मिली तो उन्होंने नोटिस आदि की कार्यवाही कर प्लॉटिंग करने वाली व्यक्ति से नक्शा में अन्य अभिलेख मांगे। नियत तिथि तक संबंधित व्यक्ति के एमडीए को कोई अभिलेख न दिखाया, जिस पर आज एमडीए की टीम ने स्थानीय पुलिस प्रशासन की मदद से अवैध प्लॉटिंग पर ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की। एमडीए टीम की इस कार्यवाही से अवैध प्लॉटिंग करने वालों में हड़कंप मच गया। बताने की गजरोला क्षेत्र में लगातार बिना नक्शा पास कराए ही अवैध प्लॉटिंग बनाने का काम जारी है। अवैध प्लॉटिंग, कॉलोनी अथवा भवन निर्माण से जुड़े काफी मामले सामने आ रहे हैं, उसके बाद भी अवैध प्लॉटिंग करने वालों में खौफ नहीं दिखाई देता है। हालांकि एक बार फिर योगी सरकार आते ही बुलडोजर चलने का काम शुरू हो गया है। गजरोला में हुई एमडीए की इस कार्यवाही से अवैध प्लॉटिंग करने वालों में हड़कंप मच गया है। एमडीए ने अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त करा दिया है। बिना नक्शा पास कराए ही किया जा रहा था अवैध प्लॉटिंग का काम।